गाती बहुत तेज निकला, बॉल को मिडफील्ड तक ले आया है, अब गोल करने वाला है, लेकिन उसने बॉल खो दी। चुप हो जाओ साकिर, आवाज नहीं, मुझे वो करने दो। वो क्या है? वो ध्यान से मुझे ध्यान देने में डिस्टर्ब मत करो। बोलते रहो साकिर, ध्यान भटकाओ इसका। बॉल अब रेमजी के पास है, वो पेनल्टी बॉक्स में एक शानदार किक मारी, ये हुआ गोल। गेम ऐसे खेलते हैं? नहीं, तुम बेईमानी से जीते हो। साकिर ने बोल बोल कर मेरा ध्यान भटका दिया, तुक्के से गोल हो गया। अरे अपने हुनर से जीता हूँ। नहीं, वो एक तुक्का था। नहीं, वो मेरा हुनर था। नहीं, किस्मत से। कैनन बेटा तुम बताओ, किस्मत से जीता हूँ या हुनर से जीता हूँ? मैं किस्मत पर यकीन नहीं करती, सफलता तो सिर्फ मेहनत से ही मिलती है ना। कुछ भी बोलती हो, तुम्हें किस्मत पर भरोसा नहीं है क्या? किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ होती है, वरना गोल नहीं होता। निकाची, अब मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहती। एक सेकेंड, आज तो हस्ताक्षर दिवस है ना? कौन सा हस्ताक्षर दिवस? इस बात को अनसुनी कर दो और गेम खेलना जारी रखो। इस गेम में मेन्यू तो जबरदस्त है, इतने सारे ऑप्शंस, जॉयस्टिक, सेटिंग्स। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑटोग्राफ देने वाले हैं, वो भी आज। क्या तुम्हें जाना है उसमें? किस जगह देंगे? देखती हूँ, सिनोबा में। अब ये सिनोबा कहाँ है? सिनानोबा बहुत दूर है, यहाँ पृथ्वी से दूर एक आकाशगंगा में, 1,000,000 light years दूर। इतना दूर साकिर, मेरे साथ तुम मजाक मत करो। लद्दाख से भी काफी दूर है। स्क्रीन हिस्सों में बंट गया, ये बहुत ही दूर है। सुनिए पापा, बहुत हो गया, मेरी बात माननी होगी। नहीं नहीं नहीं, उस कार्ड को मत निकालना। मजबूर हूँ। क्रेडिट कार्ड। अरे नहीं, ये क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड डैड के लिए एक काम किया था, उसके बदले ये मिला। इस कार्ड से मैं डैड से जो भी करवाना चाहूँ करवा सकती हूँ, बस ये बात है। गए काम से, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, साकिर ने बताया होगा, बेलीकुजू से भी बहुत आगे है। ये है क्रेडिट कार्ड, नन्ना, ये है क्रेडिट कार्ड। तो साकिर और निकेटी, तुम दोनों भी चलोगे ना? नहीं 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 नहीं। अरे हाँ 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 हाँ, वरना फिर कभी वीडियो गेम नहीं खेलूंगा। अब नेविगेशन डिवाइस में हम अपना प्रेजेंट लोकेशन लिखते हैं, ठीक है ना? सिनानोबा। रास्ता मिल गया, 3 अरब किलोमीटर सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़िए। क्या 3 अरब किलोमीटर? मंगल ग्रह जा रहे हैं, हुर्रे! जरूर कोई गलती हुई है, सिनानोबा इतना दूर नहीं है। कोई गलती नहीं हुई, वो दूर है। चुप हो जाओ, बोलना बंद करोगी डिजिटल आवाज। उम्मीद है तुम रास्ता भटक जाओ। डैड, दिशा यात्रा को गुस्सा मत दिलाओ। ठीक सामने बोर्ड है पापा, मुड़ना मत भूलना। बोर्ड को मैं क्यों पढूं साकिर, रास्ता बताने के लिए नेविगेशन मैडम है ना। चलिए मैडम, शुरू हो जाइए। शायद वो हमसे नाराज हो गई। बंद हो गया, जल्दी बोलो, मोड़ आने ही वाला है। अरे कुछ तो बोलो, यहाँ मोड़ू या नहीं मोड़ू? मुझे डर लग रहा है। राइट टर्न पीछे रह गया, तुरंत गाड़ी घुमा लो। क्या, अभी तो मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ। देखा ना कैनन, तुमने कहा था किस्मत नहीं होती, ये होती है खराब किस्मत। अब तो मान गई हो ना, किस्मत होती है। कुछ भी, मोड़ से पहले एक टनल से गुजरे, इंटरनेट स्लो हो गया और इस वजह से मैप ने काम नहीं किया और हमारा मोड़ छूट गया। आप समझे निकाटे तुम? हर बात का जवाब है। ट्रैफिक का क्या हाल है? सड़क कार्य, पहुंचने का समय लगभग 356 अरब खरब घंटे। क्या? कोई बात नहीं, मैं सो रहा हूँ। हम यहाँ फंस गए और तुम्हें यहाँ सोने की पड़ी है निकाटी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे इस बेकार मशीन पर विश्वास नहीं है। सुनना भाई साहब, ये बताना आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है क्या? अरे बहुत ट्रैफिक जैम है, मैं सबसे आगे खड़ा था, घंटों से एक जगह पर फंसा था। बिना ज्यादा सोचे मैंने अपनी कार बेच डाली और पैसे कमा लिए और अब मैं चला अपने घर। वाह वाह वाह, ऐसे नहीं अटकने वाला। मेरे पास एक आइडिया है। पहुँच गए क्या? ये रोहतांग है ना? हाँ, क्यों नहीं, सब लोग पहुँच गए। चलो सब के सब बाहर निकलो, हम सब मेट्रो से जाएंगे। ओह कैनन, ओह, अपनी बुक में उनके सिग्नेचर लेने के बाद दुनिया से भूख मिटानी होगी, इतनी तकलीफ उठाई वो बेकार नहीं जानी चाहिए।
लोग चढ़ गए ना? हाँ पापा, सब ट्रेन में हैं। मुझे लगेज समझकर ऊपर रख दिया। सूटकेस लग रहा हूँ क्या रैमजी में? मेरा बैग बाहर रह गया। मेरी किताबें गिर रही हैं। इस दरवाजे को खोलो। हाँ बिल्कुल है, उसमें मेरे हस्ताक्षर वाली किताबें हैं। जल्दी से ट्रेन की चैन खींच गई। कोई बेवकूफी वाला काम करना है अब तो मैं ही करूँगा। नहीं, सिर्फ एक किताब बची है, वो भी इस खस्ता हालत में है। ये लोग आ गए, इन्होंने ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। ओए तुम, यहाँ आओ जल्दी। बाप रे, सिक्योरिटी आ रही है, अब क्या करें? ऐसा करते हैं, तीन बार घूम लेते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसे गायब नहीं होंगे। बिना वजह चेन खींचने के लिए जुर्माना लगेगा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा तुम्हें। हे सुनो, पीछे की तरफ बाहर जाने का एक रास्ता देखा है मैंने, जल्दी चलो। ओए रुक जाओ, भागो मत। चढ़ते जाओ, जल्दी करो। थक गए, आज तो बाल बाल बच गए। कैनन, वो देखो ऊपर की तरफ बोर्ड पर क्या लिखा है। क्या, कैसे हुआ? हम पहुंच गए, हम सिनोवा पहुंच गए। इसे कहते हैं लकी किस्मत। ये मैंने कहा था ना कैनन, किस्मत होती है। यकीन नहीं हो रहा, हमने बेलेकुसु पार कर लिया। ऐसा करने वाले हम पहले जीव हैं। हमने इतिहास रच दिया। ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं किताब मेला कहाँ लगा है? किताब का मेला? मुझे नहीं पता। क्या आपको इतना भी नहीं पता यहाँ किताब मेला लगा है? इरफान, आसपास कोई किताब का मेला लगा है क्या? बताना। किताब मेला? हाँ पता है, आज सुबह ही अपने बेटे को लेकर गया था, पर वो तो शहर के दूसरी तरफ है। तुम यहाँ क्यों आई बच्ची? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी कह रहे हो, क्या ये जगह सिनोवा नहीं है? किताब मेला सिनोवा में लगा हुआ है ना? सिनानोवा में नहीं, सिनानोवा में। सिनानोवा। कैनन, तुम ठीक हो ना? कैनन, क्या मेरी आवाज गूंज रही है या नहीं? क्या हुआ था मुझे? चिंता मत करो बेटी, थकावट और निराशा की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। तुम अभी बिल्कुल ठीक हो, एकदम। मेला वहाँ जाना था ना? अफसोस, अभी आधी रात हो चुकी है, मेला कब का खत्म हो चुका है। देखा ना बैड लक कैनन, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आज किस्मत ही खराब है, इनसे ही पूछ कर देखता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरे बस का टायर पंक्चर हो गया है, यहाँ आसपास कोई पंक्चर वाला मिल जाएगा? लेकिन नहीं, ये कैसे संभव है? जरा सुनिए, क्या आप कोई जगह बता सकते हैं जहाँ अच्छी कॉफी मिल सकती है? सुबह से किताबें साइन करते करते थक चुके हैं। आप यहाँ? आपने किताब गिरा दी मिस। मेरी लिखी किताब है तो यहाँ मुझे एक युवा फैन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? कैनन, इनका नाम कैनन है। तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। तुम साइंस पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से भी, ऑल द बेस्ट। अब खुश हो तुम? तुम इसे संभाल कर रखना। मैं थैंक यू मैम। मैडम, वहाँ थोड़ी दूर पर एक कैफे है, मदद पहुँचने तक आप कॉफी का मजा लीजिए। थैंक यू ऑफिसर, गुड बाय कैनन। सुनो बेटा, ये सब क्या था? ये सब कैसे संभव हुआ? क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि उनके बस के टायर ठीक हमारे सामने आकर पंचर हुए? इसे ही कहते हैं। हाँ हाँ, ये किस्मत ही थी नेकाजी, तुम सही थे, ये किस्मत ही थी। किस्मत होती है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारा काम बन गया ना, अब हम लोग सब लौट सकते हैं। सारे यूनिट्स कृपया ध्यान दे, चार लोगों ने सबवे ट्रेन रुकवा कर वहाँ अफरा तफरी मचा दी है। लाल कपड़े पहना एक शेर, नीली हैट पहना उसका बच्चा, एक बच्ची जिसके कपड़ों में पंख लगे हैं, और एक 100 किलो का बैंगनी रंग का हाथी। मेरा वजन तो 158 किलो है। मेरे ख्याल से हमारा जाने का समय हो गया है। भागो! बहुत खूब, क्या बात है। ये खास मिश्रण से मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ।
और ये रहा आपके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। सर, क्या आपके पास कोई जादुई मिश्रण है क्या? अलग कैसे, आयरन जैसा क्या? इस जादुई मिश्रण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कैनर? अरे क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरा ये स्पेशल परफ्यूम तेरे कोई खेलने की चीज नहीं है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सर वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अरे बच्चों आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना, मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर अब मुझे भी जाना चाहिए। आखिरकार सब चले ही गए, अब चल के कुछ सुपर पावर्स लेते हैं। यहाँ क्या क्या है? टेलीपोर्टेशन सोप, स्पीड ट्रेन, और ये रहा एक शू हॉर्न। ये क्या है? आहा, मिल गया सुपर पावर्स डियोड्रेंट। इससे तो कुछ हुआ भी नहीं, जरा देखो तो। मैं तो एक कचरे का डब्बा भी नहीं उठा पा रहा, इनमें से तो कुछ भी काम का नहीं है। बकवास है, ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। ये काफी मजेदार है। मेरा तो मुंह दुख रहा है। ये तो काफी मजेदार है। पापा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तो हो ना? मैंने कॉन्टिन्यूअस का आखिरी एपिसोड देखा, ये बहुत मजेदार है। तुम कुछ नहीं जानते। काश मैं आप दोनों को चुप करा सकता। निकाटी, मेरी आवाज चली गई। निकाटी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ रैमजी? हाँ, क्या ये मैंने किया? वाह, तुम लोगों ने पूरी सीरीज देख डाली और मुझे बताया तक नहीं। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अरे नया एपिसोड आ गया। ये तो मजेदार लग रहा है। दादाजी प्लीज, बाप भी शुरू मत हो जाना, मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं अभी सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्या क्या ये सब मैंने किया? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। शाकिर बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा, जो डियोड्रेंट मैंने लैब में स्प्रे किया था वो काम कर रहा है। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले हमारी आवाज को ठीक करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ गई। हेलो हेलो हेलो, मेरी भी आवाज वापस आ गई। हुर्रे, अब जब मेरे पास सुपर पावर्स हैं, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। एक सुपर हीरो के तौर पर तुम और क्या क्या करना चाहते हो? मैं इस दुनिया में बुरे लोगों को सजा दूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। क्या तुमने किसी कॉस्ट्यूम के बारे में सोचा है? मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, फाइनली, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे उन यंग लोगों को जो सुपर हीरो बनना चाहते हैं? उन्हें ढेर सारी वीडियो गेम्स खेलने चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोच लिया, मैं हूँ स्कोप मैन, एक सुपर हीरो जो भरा है हर उस चीज से जो अच्छाई के लिए होगी। स्कोप मैन, हुर्रे! बकवास बंद करो। Thank you.
मेरा मतलब मेरी मदद करो। चिंता मत करो मिस्टर कैट, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ पर आदतों से बाज नहीं आऊँगा। मैं हूँ स्कूप मैन। अच्छों की रक्षा करता है, लोगों से प्यार करता है। एक्सीडेंट को रोकते हैं, पुल का पिंडों से बचाते हैं, और उसे पसंद है कबाब। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बड़े हो गए हो, ये सब करना आपका ठीक नहीं लगता। चलिए जाइए अपने अपने घर। किसका आइडिया था? स्कूप मैन, मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मुझे आपका स्पेशल वाला ऑटोग्राफ चाहिए। बेटा, इस स्कूल को तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। हमारे बच्चे अब सुरक्षित हैं। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, ये लो ऑटोग्राफ, तुम भी लो, ये लो। हाँ? 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 स्कूप मैन, मुझे बचाओ, अभी आया मैं। मैं हूँ स्कूप मैन। रैमजी, क्या हमारे पास बड़े साइज का लेडल मैन टी शर्ट है? उसे निकाटी ने पहना है। निकाटी, क्या तुम उसे उतार दोगे? लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में उस टी शर्ट के लिए। मैं थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारे सर पर एक ईंट है। मैंने एक बिल्डिंग को बचाया जो बस गिरने ही वाली थी। आओ ना साकिर, एक फोटो ले लेते हैं। ये तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए है। हेलो कहो। हेलो। और कैप्शन की बारी है। एक सुपर हीरो होना काफी मुश्किल है, और ये अपलोड हो गया। मुझे नहीं पता था कि एक सुपर हीरो होना इतना थकाने वाला काम है। मैं पूरे दिन लोगों की मदद करता रहा, ये कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें इस्तांबुल से सारे क्रिमिनल्स को बाहर भगाना है बेटा। ये घटिया जोक आप सुबह से मारना चाहते थे, है ना? क्या फिर से? किसी को स्कूप मैन की मदद चाहिए। हेलो, हेलो हेडक्वार्टर्स, हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक बच्चे का गेम कंसोल टूट गया है, वो गेम को नहीं खेल पा रहा, वो खतरे में है। ठीक है, डिस्पैचिंग लैडर मैन। अरे रुको रुको, बात सिर्फ इतनी नहीं है। किसी ने चाय सर्व करते वक्त उसके मदरी लो के बाल भी खींचे हैं। ये तो काफी अजीब है, पर लैडर मैन इसको संभाल लेगा। लोग अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं, लगता है आज स्कूप मैन को बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। ओके, गुड नाइट। तो अब सुनो, एक लेडी है जिसकी बिल्ली खो गई है, एक बिल्ली है जिसकी वाइफ खो गई है, और है रेनो जो पागल हो गया है। एक फायर स्टेशन में आग लग गई है, वाटर वर्क बिल्डिंग में बाढ़ आ गई है, एक उल्कापिंड मेट्रोलॉजी बिल्डिंग पर गिर गया है। तो तुम कहाँ से शुरू करो लिटिल मैन? कहीं से भी नहीं। क्या? अब बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा। मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ पाया हूँ, मुझे आराम चाहिए। बेटा, ये मत भूलो कि सुपर पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी तो आती हैं, और मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ। माफ करना, लेकिन मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, समझ गए? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी अभी स्कूप मैन पजामास लिए हैं। नहीं, भगवान, हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है और बस अभी तक नहीं आई। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, बस आती ही होगी। अरे ये आवाज कैसी थी? आवाज उस तरफ से। बस आ गई, लेकिन बस का क्या हाल हो गया? सुनो, सब भागो यहाँ से, भागो। अरे भागो भागो। कौन आ रहा है? मैं हूँ डाइवर्स मैन। ये कैसा बेहुदा नाम है, बेवकूफ हो तुम। तुम बेवकूफ हो। तुम लोग भाग के रहे हो, भागो मत। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। लेकिन तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे,
इसलिए तुम एक हीरो नहीं हो। अच्छाई करना मुश्किल है लेकिन बुराई करना आसान है। तो ये पक्का हो गया है कि ये सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। हम इसको फोर्स भी नहीं करने वाले हैं। खैर मैं नीचे जा रहा हूँ। ये कैसी आवाज थी जरा देखो तो। अरे बाप रे वो रेडियो कहाँ गया। हेलो हेलो वहाँ नीचे भगदड़ मची हुई है, हमें स्कूप मैन की जरूरत है। अब कहीं कोई आग नहीं लगी है, ना कोई उल्का पिंड गिरा है, अब किसी बिल्ली को भी पेड़ से नहीं बचाना है। आराम करो बस। स्कूप मैन, हम मुसीबत में हैं। अभी स्कूप मैन आराम कर रहा है, मैं अभी बॉल से खेल रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या कर रहे हो, शैतान कहेंगे, छोड़ो मुझे। मेरा नाम है कैनर लेकिन लोग मुझे डाइवर्स मैन के नाम से बुलाते हैं। मदद करो। दादाजी कोई मेरे दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नालायक मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है तुम्हारा वो स्कूप मैन, बताओ कहाँ है। मैं यहाँ हूँ। कैनर क्या ये तुम हो? स्वागत है मशहूर बच्चे, कैसा लगता है जब कोई तुम्हें इतना प्यार करे। तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो? मैं बस मशहूर होने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक ये तुम्हारे लिए आसान हो, आखिर तुम एक हीरो जो हो। तुम ऐसे नहीं मशहूर हो सकते, सब तुमसे और नफरत करेंगे। नहीं उन्हें मुझे पसंद करना होगा। बस बहुत हुआ, ये बात यही खत्म होती है। दादाजी आ जाओ, देखते हैं तुम इसे पकड़ सकते हो कि नहीं। मेरी मदद करो साकिर। ऐसा नहीं हो सकता, ये काफी तेज है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। रुको मेरे पास एक और पावर है। मैंने आपको बचा लिया दादाजी, लेकिन इससे कैनर को नहीं रोक सकता, मुझे कुछ और सोचना होगा। रुको अगर मैं समय को रोक सकता हूँ तो मैं उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। और ये रहा आप सबके सामने शलगम जूस। अरे वाह इसका स्वाद तो बेमिसाल है। मैं कहाँ हूँ, ये कैसे हुआ, ये काम कर गया? क्या काम कर गया साकिर, तुम ठीक तो हो ना? अब से मुझे कनेर को क्लास में अच्छा फील कराना होगा, अब वो बिल्कुल भी अपमानित नहीं होगा और फिर उसे बुरा काम करके मशहूर होने की इच्छा भी नहीं होगी। हाँ ओके मैं समझ गया। हाँ मैं इस लिड की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। कहने जरा इसे चेक करना। मेरा सर बड़ा हो रहा है। मैंने कर दिखाया। अरे बच्चों आराम से जाओ, और हाँ अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना, मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर अब मुझे भी जाना चाहिए। हे कनेर अब से हम दोनों एक टीम हैं। ठीक है, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, अब से स्कूप मैन हमेशा मदद के लिए तैयार है। क्या स्कूप मैन? छोड़ो जाने दो। प्यारे दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एलियन हंटर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस गेम का पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। ताकिर मम्मी इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्या तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं मम्मी मैं एग्जाम से एक रात पहले पढ़ूंगा। एक रात पहले हाँ एक रात पहले। तुम श्योर हो एक रात पहले ना? हाँ मैं श्योर हूँ एक रात पहले। तुम लगे रहो साकिर, मुझे बस पसंद है ऐसे दरवाजे को खोलना और बंद करना। आज हम बच्चों को एक सर्कस दिखाने वाले हैं। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले हो? एक रात पहले। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले हो? एक रात पहले। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले? एग्जाम से एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम आज की रात से पढ़ूंगा। ओह फाइनली। नोटबुक
बुक, क्वेश्चन बैंक, इरेजर, शार्पनर, यस। एग्जाम के लिए सब कुछ तैयार कर लिया मैंने। हाँ, रुको रुको, मैं अपनी लकी पेंसिल भूल गया। मेरी लकी पेंसिल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहाँ है मेरी पेंसिल? Excuses! तुम क्यों चिल्ला रहे हो निकाटी? जब सब चिल्लाए तो मैं भी चिल्ला लिया। मुझे पता था कि ये सब होगा। पढ़ने के अलावा तुमने सब कुछ किया। तुमने आखिरी रात तक तैयारी नहीं की। अब उस पेंसिल के लिए बहाना बनाओगे। मैं पेंसिल का बहाना बना रहा हूँ? एक्सक्यूज मी, मेरी पेंसिल कहाँ है? आपने देखा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तुम्हारा रूम साफ किया और मुझे वो कहीं नहीं मिली। आप जानती हैं कि मैं अपनी लकी पेंसिल के बिना नहीं लिख पाऊंगा। तुमने क्या कचरे में देखा? मैंने सारा कचरा बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। बेटा, इससे पहले कि कचरे को उठाने ट्रक आ जाए, तुम्हें अपनी पेंसिल ढूंढनी होगी। मैं भी आ रहा हूँ साकिर। ये है, मुझे कचरे वाले ट्रक पसंद है। कहाँ चला गया ये? अरे बाप रे, ये तो पुलिस का सायरन है। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ हूँ। अरे अरे, कहाँ गए तुम? अरे भागो, जल्दी भागो यहाँ से। वो भाग गए, हमें उन्हें पकड़ना होगा। हाँ शायद। ये क्या, एक मास्क? चोर ने अपना मास्क क्यों छोड़ा यहाँ पर? ये रहा कचरे का डब्बा, तुम इस बॉक्स को चेक करो निकाटी। ये क्या है? एक सोने का बार, पास। इसमें क्या क्या है? एक डायमंड की रिंग, पास। एक स्केलेटन कॉस्ट्यूम। इन सब को भूल जाओ, पेंसिल पर फोकस करो। वो यहाँ भी नहीं है, कचरे वाला ट्रक आ रहा है। मैं इसे भी ले जाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी वो ढूंढ नहीं पाया हूँ। साकिर, इसे देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ। ये देखो, एक और है। जरा देखो तो, ये तो सिर्फ एक स्किन और बोन का बना है। अब तक का तुम्हारा सबसे अच्छा जोक था। अरे जोक पे नहीं, कचरे पे ध्यान दे बेवकूफ। ये स्किन और बोन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही पतला। क्यों, मैंने सच में वेट लूज किया है? मैंने कार्ब्स खाना बंद कर दिया है। ये तुमसे भी ज्यादा फनी है। हाँ, भयंकर कॉमेडी करती। चल हम निकल यहाँ से। मेरी लकी पेंसिल खो गई है। तुम इस बात को अपने सर तक मत जाने दो साकिर, बल्कि अपने सर को इसके अंदर डालो, तुम अच्छे लगोगे। वो एक डब्बा ले जाना भूल गए। मेरी पेंसिल जरूर उसी में होगी। मैं जाकर उसी में चेक करता हूँ। तब तक मैं उस ग्रोसरी गाय को डराता हूँ। ग्रोसरी मैन, दुकान बंद है। कोई बात नहीं, मैं उस नट्स बेचने वाले को डराता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये एरकन ही है? दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? साकिर, तुम यहाँ कैसे आए? ये किसकी कार है? अबे जल्दी कार में बैठ, पुलिस आ रही है पीछे। पुलिस आ रही है? क्या हम कोई गेम खेल रहे हैं? मुझे चोर पुलिस खेलना पसंद है। आ जाओ। ये तुम इतने लेट क्यों हो गए? तो हम कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचते बचते आया हूँ। ये बता, पैसा कहाँ है? पैसे? वो पैसे तो सेफ हाउस में रखे हैं। सेफ हाउस? ये क्या चीज है? अब ये मत कहो कि तुम सेफ हाउस के बारे में नहीं जानते। हर चोर को इसके बारे में पता होता है। अबे पागल मत बना, कहाँ है ये सेफ हाउस? वो सेफ हाउस एक रैप प्लेस। हाँ, एक सेफ प्लेस एक रैप प्लेस है। रैप प्लेस? हाँ, जल्दी उस रैप प्लेस तक चलो, जल्दी। पुलिस हमारे पीछे है, वो पीछे हैं। चलो उनके रास्ते में कुछ चीजों को फेंकते हैं। क्या कर रहा है? सीट को तोड़ दी तूने? एक चोर को हमेशा एक सीट फेंकनी चाहिए भागते वक्त। इन्होंने ये सीट क्यों फेंकी? ये पुराने मॉडल की सीट है, उन चोरों की कार बहुत पुरानी है, वो यहीं कहीं होंगे। चलो ढूंढते हैं। एक मिनट रुको, वो वहाँ क्या है? वो चोर उस कंकाल वाले मास्क के साथ है। उसने फिर से वो मास्क पहन लिया। उस डस्टबिन के पास जल्दी चलो। हाँ चलो जल्दी। वो यहाँ भी नहीं है। बहुत हुआ, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। आखिर हमने पकड़ लिया। चल कार में बैठ, चोर कहीं गया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग गलती कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो तुमने वो बैंक में चोरी नहीं की? कैसा बैंक? मैं तो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, कल तो मेरा एग्जाम है, बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो।
ठीक है सर। एक से लेकर दस तक के प्राइम नंबर्स की गिनती करो। प्राइम नंबर वो क्या है, वो क्या है? समय पूरा हुआ, जवाब है 2, 3, 5, 7। हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। क्या नहीं, मैं एक चोर नहीं हूँ। पक्का पैसे यहीं छुपाए थे ना? हाँ हाँ दोस्त, क्या तुम हमें 2 स्टूल दे सकते हो? तुम क्या लोगे? अबे बेवकूफी मत कर, मुझे कुछ नहीं खाना, हम पैसे लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, शांत हो जाओ। अब हमने चोर को पकड़ लिया है, कैसा रहेगा हम 1-2 रैप्स खा ले, तुम क्या कहते हो? चलते हैं दोस्त, और मिस्टर थीफ आप यहीं इंतजार कीजिए, ठीक है? हाँ, ये मुझे चोर समझ रहे हैं। अबे जल्दी खाना खत्म कर और जाकर वो पैसे लिया जो तूने छुपाए थे। ठीक है साकिर, मुझे थोड़ा हॉट पेपर चाहिए। साकिर बहुत भूख लगी है, जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं। क्या मुझे थोड़े पेपर्स मिल सकते हैं? ओह पुलिस, क्या ये अभी भी हमारे साथ गेम खेल रही है? वो निकाटी है, निकाटी। ओ साकिर, तुमने अपना रैप कब खत्म किया? क्या तुमने पे कर दिया? सुनो निकाटी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इन्हें लगता है कि मैं। तुम चिंता मत करो साकिर, हम अभी और मजे करेंगे। तुमने तो असली पुलिस की कार ढूंढ ली है। नहीं 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 नहीं, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ओ, और लाइसेंस प्लेट का लास्ट डिजिट है 1881। इस दिन तो अतातुर्क का जन्म हुआ था, हम बहुत लकी हैं साकिर। तो क्या कहते हो, चले? बेवकूफी मत करो निकाटी, बाहर निकलो कार से, ये असली पुलिस की कार है। ओ, ओ, ये क्या हो रहा है? हेलो दोस्त, क्या किसी ने यहाँ कैश से भरा कोई बैग छोड़ा था? क्या ये एक सेफ हाउस है ना? तुम क्या कह रहे हो? दोस्त वो हमारी कार ले गए, क्या तुमने किसी को देखा जिसने कंकाल जैसे कपड़े पहने हो? अरे भागो भाई, मर गया हो। भागता कहाँ है, भागता कहाँ है? रुक, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। मैं इस कैश का क्या करूँगा, कहाँ हो तुम? ओह पुलिस आ रही है, लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे क्या किया है? जाने दो साकिर। ओ सर, क्या आप ठीक हैं? कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। चलो इस कार में आ जाओ, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। आ जाओ। ये क्या, ये आदमी कौन है? एक बैग जो पैसों से भरा हुआ है, यही वो चोर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। क्या हुआ मुझे? हमने चोर को पकड़ लिया है निकाटी। ये अब तक की बेस्ट नाइट है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को लगता है कि हम दोषी हैं। सारे यूनिट सावधान, हमारे टीम की कार रैप हाउस के पास से चोरी हो गई है। उन्होंने चोर को पकड़ लिया है और मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो भी यूनिट इस जगह के आसपास है वह जाके इस मामले को देखे। ओवर एंड आउट। ये क्या, क्या ये कार बोलती है? नहीं, वो एक रेडियो है। क्या तुमने सुना, वो पुलिस रैप हाउस पर है? तो मेरे पास एक आइडिया है। बैकअप टीम कहाँ तक पहुँची है? और तुम वो मास्क हटा सकते हो अब, हमने तुम्हें प्राइम नंबर सिखाए और तुमने ऐसा किया। क्या प्राइम नंबर्स? वो रैप हाउस के सामने वेट कर रहे हैं, क्या तुम तैयार हो निकाटी? मैं तैयार हूँ साकिर। इसे आराम से धक्का दो, धक्का दो। वो तो हमारी कार है। अरे जरा देखो तो सही, अरे ये तो दूसरा चोर भी मिल गया। क्या हुआ हमारे साथ? मुझे नहीं पता अरकन, बस इतना पता है कि हमारे साथ बहुत ही गंदा मजाक हुआ है। हमने दोनों को पकड़ लिया और पैसे भी जब्त कर लिए, वाह क्या बात है। चलो चलो तुम भी अंदर चलो, चलो चलो चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पूरी रात बाहर बिताई है, मैं सो भी नहीं पाया हूँ, मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं साकिर, हमने आज की रात कमाल किया है, क्या इतना बुरा था? मैं अब जा रहा हूँ निकाटी, मुझे ऑल द बेस्ट कहो। ऑल द बेस्ट, और याद रखना ब्लैक सी के किनारों पर पैरेलल्स माउंटेन्स हैं। इस वक्त मुझे इतना ही पता है। मैं थक गया हूँ। तो बच्चों आज की क्लास में रिटन टेस्ट को आज हम कैंसिल करते हैं, अब हम ओरल टेस्ट लेंगे। बच्चों ये सरप्राइजेस से भरी होती है, आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। साकिर पहले आपका ओरल टेस्ट होगा। मैं तो गया तो चलो शुरू करें। मुझे ये बताओ
स्किन और बोन्स का क्या मतलब होता है, इसके बारे में तुम जानते हो? मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही पतला आदमी। इसका मतलब है बहुत ही पतला। बहुत बढ़िया, अगला सवाल पूछती हूँ। ये बताओ साल 1881 क्यों इम्पोर्टेंट है? और लाइसेंस प्लेट का लास्ट डिजिट है 1881। इस दिन तो अतातुर्क का जन्म हुआ था। हम बहुत लकी हैं साकिर। 1881 वो साल है जब अतातुर्क का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, क्या तुम 1 से 10 तक के प्राइम नंबर्स बता सकते हो? समय पूरा हुआ, जवाब है 2, 3, 5, 7। हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। 2, 3, 5, 7। वाओ, वेरी गुड। और ये आखिरी सवाल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्लैक सी माउंटेन्स कैसे हैं? पैरेलल, पैरेलल, मैडम, निकाटी तो बस इतना ही जानता था। वाह साकिर, मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देती हूँ। जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में मैं पास हो गया, मैंने एग्जाम पास कर लिया। ये बिल्कुल बाय चांस था, बट मैं अब किसी भी चीज को बाय चांस नहीं छोड़ूंगा। ओले! वो काली चीज कुछ ज्यादा ही यूज कर ली। ये क्या, मैंने एक छोटी सी गैलेक्सी बना दी। चलो कोई बात नहीं, मैं जहाँ चाहूँ इस बीम को भेज सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरहीट होके बंद पड़ जाती है। एनीवे, मुझे कोशिश करके एक नई बीम बनानी पड़ेगी। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी सही जगह है कचरे के डिब्बे में। ध्यान से, इसे गिराना मत। मुझे नर्वस मत करो रैमजी, नहीं तो गिर जाएगा। अरे मैं नहीं कर रहा निकाटी, मैं तुम्हें नर्वस नहीं कर रहा हूँ। चिल्लाओ मत रैमजी, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। सब शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो, हम इस केक को सही सलामत पहुँचा देंगे, ठीक है? अरे कुछ तो कहो। मेरे पैर कांप रहे हैं रैमजी, मेरे पैर कांप रहे हैं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तांजू जल्दी से हमारी मदद करो। ओके ओके, मैं आ गया। मेरे पैर, उठाओ इसे और थोड़ा उठाओ इसे। ठीक है, हमने कर दिया। सुनो, ये केक है किसके लिए रैमजी? ये साकिर के बर्थडे पार्टी के लिए है, तुम भी आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। क्या वहाँ केक होगा? हाँ, क्या वहाँ केक होगा? नहीं, वहाँ केक नहीं होगा, ये जो देख रहे हो तुम ट्रैक्टर है। कैसा अजीब ट्रैक्टर है? मजाक मत करो, ये क्या है, ये केक है, तो वहाँ भी केक होगा ना? क्या वहाँ चावल भी होगा या बकलावा? हाँ, स्टफ्ड वाइन्स लीव्स के बारे में क्या ख्याल है? देखो मुझे इन तीनों के जवाब अभी चाहिए रैमजी। ओ, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो भी निकैटी, कार में आ जाओ, पार्टी के लिए लेट मत होना तांजू। लगता है मुझे अब एक गिफ्ट खरीदना होगा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। वाटर गन, और ये बिल्कुल नई लग रही है। साकिर इस तोहफे को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। क्या तुम कटलरी लाई डार्लिंग? हाँ ले आई मॉम। ग्रैंडपा पियामी, इस बैनर पे ये आपने क्या लिख दिया? इस पे हैप्पी बर्थडे साकिर लिखा होना चाहिए था, आपने गलत कर दिया। क्या सच में? मुझे देखने दो। मैरी मी, ये तो अधूरा लग रहा है। मुझ पे हंसना बंद करो, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाए हूँ, समझे? ओ, केक तो आ गया, मुझे अब साकिर को बुला के लाना चाहिए। बहुत बढ़िया रैमजी, केक को संभाल के इस टेबल पर रख दो। इस केक को बनने में 1 हफ्ता लगा है, ये केक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बनने में 1 हफ्ता लगा, लेकिन मैं इसे 1 मिनट में खा सकता हूँ। अरे देवानो, मुझे पहचानो। तुम्हारा वेलकम है तांजो, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लावर्स तुम्हें कहाँ मिले तांजू? अरे तुम्हारे ही गार्डन से लिए हैं मैं। क्या? बर्थडे बॉय कहाँ है ये बताओ पहले। अपने रूम में वो रेडी हो रहा है, वो आज एक स्पेशल ड्रेस पहनने वाला है। तंजू, क्या गिफ्ट लाए हो, दिखाओ तो हमें। अबे तुझे क्या दिखाऊं? साकिर को दिखाऊंगा मैं। नहीं, हमें देखना है। अबे मोटे हाथी, क्या कर रहा है तू? निकाटी बेवकूफी मत करो। वाव, ये शानदार है, ये बहुत ही शानदार है, ये तो कमाल की चीज है। ये क्या है? दरअसल ये एक वाटर गन है। क्या तुम श्योर हो तांजू? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो, इसे यूज करके दिखाओ। ला इधर ला मोटे हाथी,
इसे ऐसे चलाते हैं या शायद ऐसे चलाते हैं, पता नहीं, मैं शायद। अरे वो क्या था? इससे तो एक ही बिंब बाहर आई, पानी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, इसमें पानी जरूर निकलेगा, देखो। अरे तुमने ये केक के साथ क्या किया? मैंने उसको टच तक नहीं किया था। अरे मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे चिल्लाओ मत, किसी ने नहीं देखा, सब अपने काम में बिजी हैं, शांत हो जाओ सब। मैं अंदर कूद रहा हूँ, मैं केक ढूंढ कर ही रहूँगा रामजी। बेवकूफी मत करो निकैटी, अगर ये रास्ता कहीं और का हुआ तो हमारे पास एक स्पेस सूट है घर पर, जो हमें एलियन ड्यूटी से मिला था, मैं जाके लेकर आता हूँ। रामजी केक कहाँ गया? वो बेकरी वालों ने कॉल किया था, वो दो सुपर हीरोज की फोटो लगाना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने केक वापस मंगवाया है। ठीक है ठीक है, पर जल्दी मंगवा लो। क्या हाल चाल है कादरी? तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है तांजू? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, उस पोर्टल की तरह, मुझे लगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये पोर्टल क्या है? पोर्टल एक खुफिया रास्ता जो दूसरी दुनिया में जाता है। मेरा मतलब अलग गैलेक्सी, स्पेस वगैरह वगैरह, ये सब। तुम पागल हो गए हो, मैं जा रही हूँ। तुम इसे पहनो निकैटी, और तुम इस रस्सी को पकड़ो तांजू, हम इससे निकैटी को बांधेंगे और वो नीचे जाएगा इस खुफिया रास्ते में। मैं तैयार हूँ। ओके निकैटी, गुड लक। बिना केक के तुम वापस बताना निकैटी, रस्सी को कस कर पकड़ लो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और एनिमल किंगडम के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पकड़ा हुआ है। पकड़े रहो, छोड़ना मत तांजू। तुम हरी हो। अरे वाह क्या पार्टी है, आज तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। वेलकम बच्चों, अंदर आओ अंदर आओ। बेरेम, तुम आज यहाँ आई मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा, तुमने अच्छा अरेंजमेंट किया है। साकिर कहाँ है? कैनन जरा इसे पढ़ना तो। ये क्या है? कम ऑन साकिर, बाहर निकलो। मैंने कहा इसे पढ़ो, आज मेरा बर्थडे है। ओह ठीक है, देखो जरा। रूलर ऑफ द सेवन सीज, ग्रेटेस्ट ऑफ द पायरेट, यहाँ रह चुके हैं, ब्ला ब्ला। स्वागत करो साकिर का। मैं आ गया हूँ। तुम्हारा ड्रेस शानदार है साकिर। थैंक्स आरिफ, तुम्हें केक को देखना चाहिए। केक कहाँ है? वो यहीं कहीं पर होगा। अरे बच्चे आ गए हैं, साकिर भी आ गया है, हमें जल्दी से केक ढूंढना होगा। ये क्या है, ये काफी अजीब है, जरा देखे तो। मम्मी, पापा आप ये रस्सी के साथ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम टैग ऑफ वार खेल रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा प्यारे बच्चे। देखा, मैंने कर दिखाया, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ठीक है, तो मेरा केक कहाँ है? सबको अंदर डालो, सबको अंदर डालो, किसी को मत छोड़ना। चलो चलो चलो, आ जाओ तुम भी, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ठीक है, और किस किस को आइसक्रीम चाहिए? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रेजी साइंस एनिमल्स की तरफ से हैं। हमारा मिशन बिना परमिशन के पागल साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई डिवाइसेस को खत्म करना है, क्योंकि ऐसी इन्वेंशंस बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उसका हमसे क्या लेना देना है? तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा अगर तुम ये बता दो कि तुम लोगों को ये पोर्टल डिवाइस कहाँ से मिला। मुझे ये कचरे में मिला था, और कहाँ मिलेगा? तो तुम्हें मजाक करना पसंद है? मुझे वो डिवाइस वापस करो। ये है लेटेस्ट पोर्टल जो इस डिवाइस ने बनाया है। पहला है तुम्हारा गार्डन और दूसरा है जुपिटर, समझ गए ना तुम? क्या जुपिटर में है? मतलब निकैटी जुपिटर पर है? जरूर किसी ने इसे आसमान की तरफ करके यूज किया होगा। तांजू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिनके बारे में पता ना हो उन डिवाइस से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्या था? पापा ये क्या हो रहा है? लगता है सीलिंग लीक कर रहा है। जरा बच के। उन्होंने पोर्टल डिवाइस ले ली, उनका पीछा करो। हाँ? साइंस एनिमल मिर्केट, तुम यहाँ कैसे आए? साकिर, मैंने अपने पोर्टल डिवाइस पर एक चिप लगाया था, और मैंने अपने कंप्यूटर पर तुम्हारी लोकेशन भी देखी। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि जो डिवाइस मैंने फेंक दिया था, तुमने वो क्यों उठाया? तुम्हें इसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए था। वो नजदीक आ रहे हैं। ये लो साकिर, इसे यूज करो। मैं इसे कैसे यूज करूं? क्या तुमने कभी साई-फाई गेम्स नहीं खेली? अब हम एक जैसी भाषा बोल रहे हैं।
चलो अब सब कुछ ठीक है, मुझे मेरी वो पोर्टल डिवाइस दे दो। अरे मुझे बताओ वो कौन लोग थे मिर्केट? तुम्हें क्या लगता है, वो एक फेल साइंटिस्ट से बना इंस्टीट्यूशन है जो हमसे जलता है रेमजी। ना तो वो लोग कुछ इन्वेंट करते हैं, ना ही दूसरों को इन्वेंट करने देते हैं। तो अब निकाटी का क्या होगा? एक मिनट रुको, मैं उस लोकेशन को देखता हूँ जहाँ लास्ट टाइम यूज हुआ था। जुपिटर? अरे तुमने इसे लास्ट टाइम कहाँ एम किया था पागलो? मैं इस डिवाइस को कभी टच नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे कितने ही वेफर क्यों ना दे दो। मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक नया रास्ता बना रहा हूँ जुपिटर के उसी सेम स्पॉट पर। अब तुम लोग घर जाओ, ओके? मैं निकाटी को लेकर ही आऊंगा। चलता हूँ दोस्तों, ख्याल रखना। ये मैं चला। मैं उम्मीद करता हूँ कि निकाटी जरूर ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा केक भी ठीक होगा। तुम बहुत ही फनी हो निकाटी। मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ, ये तो मजेदार है। थैंक यू, तुम एक बेहतरीन केक लेके आए हो हमारे लिए। अब तुम एक लाजवाब चाय डिसर्व करते हो। मिल गया निकाटी। ओ, यहाँ भी मिस्किट है। आ जाओ, हम चाय पी रहे हैं और उनके पास गेम भी है, चलो गेम खेलते हैं। मेरा नाम मिस्किट नहीं मिर्किट है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त वहाँ चिंता कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ होना गया हो। अब चलो मेरे साथ। दोस्तों मैं चलता हूँ, माफ करना, बाद में मिलते हैं। बुरा मत मानना दोस्त, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके निकाटी, हम मिलेंगे। और हाँ, ये केक भी ले जाओ, हम इसे नहीं खाने वाले हैं। दरअसल हफ्ते की शुरुआत में हम लोग इतना मीठा खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं इसे रास्ते में खा लेता हूँ। चलो अब चलते हैं, और तुम लोग यहीं रहना, किसी दिन आकर तुम्हारी भी खबर लूंगा मैं। इनके पास बेहतरीन चाय है। तो अब चलो चलते हैं। रैमजी, अभी तक केक क्यों नहीं आया? सब वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं कादरी। तो साकिर, क्या तुम कैंडल्स ब्लो नहीं करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा अगर केक हो। बताते क्यों नहीं, केक कहाँ है? ये लो साकिर तुम्हारा केक, चलो कैंडल्स ब्लो करो। मेरा बर्थडे केक, ये क्या हो गया? मैडम अदरक वाली चाय मिलेगी क्या? बच्चों, मोरल्स और ट्रिकरी दोनों एक स्केल के ऑपोजिट छोर पर होते हैं। अगर एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे की तरफ होता है। ये एक शानदार कोट है ना? इसीलिए फिलोसॉफी इम्पोर्टेंट है बच्चों, समझे? ये आपको खुद को जानने में मदद करता है। वैसे कल मैं उन टॉपिक्स का टेस्ट लूंगा जो मैंने आज तुम सबको बताया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सभी को एग्जाम के लिए मन लगा कर पढ़ना चाहिए। क्या तुमने क्वेश्चन पेपर देखा, कहाँ है वो? हाँ मैंने देखा है। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा। चलो आज रात मिलके क्वेश्चन पेपर चुराते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? हाँ नहीं नहीं। तुम हमें नहीं बता सकते, आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ हाँ दोस्तों, वो प्रिंसिपल रिटायर करने वाले हैं, हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि निकाटी को प्रिंसिपल होना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है, तुम्हें लगता है कि वो मानेगा? चलो पूछते हैं, शायद वो हाँ बोल दे। मिस्टर निकाटी, अब क्या तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मिस्टर निकाटी, अगर आप प्लीज। ठीक है, बस करो, अब बस बहुत हो गया, मुझे मंजूर है ये मिशन। कोई है यहाँ? मुझे माफ करना प्रिंसिपल, मुझे मेरे दोस्तों ने सताया है, मैंने ये सब अनजाने में किया, मुझे जेल मत डालो प्लीज। निकाटी मैं हूँ, शांत हो जाओ। साकिर, वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है। हाँ वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है। मुझे अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो, वो क्या है? ये कुछ नहीं, सब चले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि हम दोनों को साथ घर जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ साकिर, मुझे बास्केटबॉल फील्ड साफ करना है, मुझे उन बॉल्स को उनकी जगह पर रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बॉल्स के साथ खेलूं, मैं उन बॉल्स में से किसी एक को दीवार पर फेंकूंगा, फिर वो मेरे सर पर लगेगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। ओह बहुत काम है। हाँ। ये साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है। खैर मुझे लगता है वो जो चीज है, वो चीज मेरी क्लास का ड्रॉअर। क्या? हाँ वो एग्जाम क्वेश्चंस वहाँ है, तो कैमसिट वल्चर और वेदात गोरिल्ला, मेरा मतलब है तुम जानते हो ना? क्या तुम ठीक हो साकिर? चुपके से क्लास में जाना और ड्रॉअर, एग्जाम क्वेश्चंस और
मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है साकिर। तुम चाहते क्या हो साकिर? पैसे? बताओ मुझे। तुम समझे नहीं। खैर मैं जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ किया सफाई के लिए बच्चों के जाने के बाद। अब कोई मजाक नहीं। किसी को तो उन्हें रोकना चाहिए लेकिन कैसे? हाँ समझ गया कैप्टन। मेयर यहाँ बस आने ही वाले हैं। हमें सिक्योरिटी चेक करनी है। बिल्कुल पुलिस मदद करेगी पर मुझे उन्हें कुछ बताना है नहीं तो मेरे दोस्त गुस्सा करेंगे। अगर मैं बता देता हूँ तो मैं उनको रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। हे एक्सक्यूज मी सर। सुनिए सर। हाँ बोलो बच्चे। ठीक है ठीक है तो सुनो। तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? अरे क्या बोल रहा है ये? बच्चे तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमें जाना है। लगता है इसको मदद चाहिए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फुरी 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 तर 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 दुकर 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 चिच चिच चिच। होली 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 बारा 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 बेरी बेरी। वो क्या है ना कि और फिर से ये हुआ और आखिरकार उन्होंने किया। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ हम बैकयार्ड से अंदर जाएंगे और फिर कैंटीन स्टोरेज जाएंगे वहाँ से हम क्लास में जा सकते हैं। यू आर वेरी चालाक ब्रो। काश इतना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया होता तूने। मैं स्मार्ट हूँ लेकिन ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। सभी जीनियस की तरह। निकाटी भी जा रहा है। कोई नहीं है स्कूल में चलो जल्दी चलते हैं। नहीं ये काम नहीं करेगा मुझे कुछ और करना होगा। काश कल हॉलीडे होता हम पूरे दिन ग्राउंड में खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल काश स्कूल पर एलियंस कब्जा कर ले। एलियंस मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं ये बलून्स ले रहा हूँ क्या मुझे एक पंप मिल सकता है? ये लो बच्चे ये पंप बैटरीज के साथ काम करता है। क्या ये बलून्स ज्यादा फूलते हैं? हाँ शायद थोड़ा ज्यादा। ए बच्चे उन्हें ध्यान से यूज करना। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार हमें तो चोरी भी करना नहीं आता। हम एग्जाम पेपर चुराने वाले हैं। तू ये क्या बात कर रहा है? शायद हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। 1 2 3 4 बेवकूफी मत करो चलो अब। आखिरी था। उड़ जाओ स्पेस मॉन्स्टर। जाओ और उन्हें जाकर डराओ और अपना कमाल दिखाओ समझे तुम? ओके सब तैयार है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हे बच्चों एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। बच्चों मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। अरे सब पीछे हो जाइए। ये तो वही पहले वाला बच्चा है ना। बच्चों एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। अरे मुझे दिखाओ। अरे बाप रे एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया। यहाँ हमारा काम हो गया ना? हाँ हो गया तो चलो और उनकी मदद करते हैं। और ऑफिसर्स क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये तो एलियंस है। एक प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे रेड बटन दबाना होगा और अलार्म बजाना होगा। ये लीजिए सर ये रहा आपका रेड बटन। चलो,
है? एलियंस आ गए? अब तुम्हें मेरा केक टेस्ट करना ही होगा। जल्दी करो, अब हम क्वेश्चन पेपर चुरा सकते हैं। मैं उन्हें क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कर रहे हो साकिर? तुम ये नहीं चुरा सकते। बहुत लेट हो चुका है साकिर। जल्दी करो वेदत, हम निकल रहे हैं। नहीं। ये खाली पेजेस हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? खाली? तुम क्या कहना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? निकाटी चाचा। सर आप? हेलो मेरे बच्चों, मुझे पता था तुम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हंगामा खड़ा करोगे। लेकिन वो पेजेस, लेकिन ये खाली क्यों है? क्योंकि ये एक टेस्ट था, पेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। मैंने तुम्हारे सामने वो खाली पेजेस रखे उस ड्रायर में जिसे तुम क्वेश्चन समझ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था तुम में से कोई इसे चुराएगा और ये भी विश्वास था तुम में से कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुमने ना समझने का नाटक किया निकाटी। नहीं, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आया। देखो मेरा सर बिल्कुल खाली है। देखो बच्चों, रेगुलर टेस्ट के बजाय मैं तुम लोगों के मॉरल्स को चेक करना चाहता था, समझे बच्चों? Hey, क्या तुम ठीक हो? क्या एलियंस बिल्डिंग के अंदर है? क्या कहा, एलियंस? यहाँ कोई एलियंस नहीं है। अरे वो तो उड़ते हुए बलून्स हैं। तो फिर यहाँ है क्या? कुछ तो होना ही चाहिए। क्या हम लोग यहाँ बेकार में आए? हमारे पास दो बच्चे हैं जो आंसर्स चुराना चाहते हैं। अभी आपके हवाले करता हूँ। चलो इन्हें ले जाते हैं, पर जल्दी इनके पेरेंट्स को कॉल करना। ओके, मेरे ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स करो और हाँ, मेरा रेड बटन भी रेडी करो, शायद यहाँ पर फिर से कुछ अजीब मिल जाए। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मेरे फादर को मत कॉल करो, प्लीज। ये मुझे बिना किसी कारण के गुस्सा दिला रहा है। गुड जॉब साकिर, मैं तुम्हें इस एग्जाम में 100 नंबर देता हूँ। मैंने तो वही किया सर जो करना चाहिए था। सर आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आपको क्या दूँ मिस्टर निकाटी, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? ओह सही कहा आपने, मैं एक कस्टोडियन हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा, मैं सफाई करूँगा। पहले तो मैं इन बलून्स को हटा दूँ। ये लो, मुझे उसे खींचना नहीं चाहिए था। मैं उड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। क्या वो नकमी है? नकमी, नकमी, क्या कर रहे हो? ऊपर देखो। तो मैं क्या करूं? जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। जलन, जलन। क्या मैं बहुत दूर जा रहा हूं?